गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर असिस्टेंट टीचर। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेवेंथ चैप्टर लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कि हमारे जो लाइफ लाइंस हैं हमारी नेशनल इकोनॉमी के वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था किसके बारे में, रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया का, उसमें हमने रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसको कल थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था कि ये भी एक क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और इसकी जो रूट लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू साइज जो काउंट की गई है वो कितनी है, 67,956 किलोमीटर ऑन 31 मार्च 2020 में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ मल्टीपल गेज दिए हुए हैं। गेज जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जैसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ये उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है रेलवेज, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ टेबल बनाई गई है। ये बुक में है क्या आपके, ये दिया हुआ है, इंडियन रेलवे नेटवर्क रन्स ऑन मल्टीपल गेज ऑपरेशन एक्सटेंडिंग ओवर 68,442 किलोमीटर। ये टेबल दी हुई है क्या आपके बुक में? यस मैम, दी हुई है। तो ये देखो, ये जो टेबल है यहाँ पर, इस टेबल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो टेबल है ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कितनी लेंथ है, कितना मीटर जो है वो रेलवे ट्रैक कवर करती है, उसी के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है। ब्रॉड गेज जो कि 63,491 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, जिसका रनिंग ट्रैक है 89,521। उसी तरीके से मीटर गेज और नैरो गेज, ये टोटल गेज जो है, जो हमने 68,442 किलोमीटर देखा है कि रेलवे जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, रेलवे जो है इंडियन रेलवेज जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो उस डिस्टेंस को डिफरेंट थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रॉड, मीटर और नैरो गेज के अंदर, ठीक है। द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। मुंबई टू थाने जो फर्स्ट ट्रेन जो थी वो चलाई गई थी विथ स्टीम, स्टीम इन से चलाई गई थी, और उसको रन किया गया था कब, 1853 में, और वो टोटल डिस्टेंस जो है वो 34 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, ठीक है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स, यानी कि जो इंडियन रेलवेज है उनको लोगों की कन्वीनियंट के लिए और उसके मेंटेनेंस के कन्वीनियंस के लिए 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। 16 जोन्स मीन्स, कहीं पर भी आप देखोगे जो ट्रेन होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि नॉर्थ वेस्टर्न ट्रेन, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न ट्रेन, तो इस तरीके से इसको 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है, किसको, इंडियन रेलवे ट्रेन्स को। इन डिवाइडेशन के पीछे मेन पर्पस क्या है, सिर्फ उसको देखना, यानी कि अगर अपन उसको डिवाइड कर देते, क्योंकि पूरी कंट्री में कैसे जो ट्रेन्स चल रही हैं उनका मेंटेनेंस कैसे होगा, सभी कोई एक पर्सन तो कर नहीं सकता, इसीलिए उसे अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है ताकि उसको मेंटेन किया जा सके, प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ गेज, अभी जो अपन ने पढ़ा कि जो थ्री टाइप ऑफ गेज है, जो ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के हैं, कौन कौन से, ब्रॉड, मीटर एंड नैरो, सिर्फ इसमें इतना ही अपने को लिखना है। नेक्स्ट है आपका चैलेंजेस फॉर इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन इन द हिली रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे हिली एरियाज हैं वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बनाना पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, पासेज और टनल्स। ऐसी जगहों पर क्या किया जाता है, या तो लो हिल्स पर बनाए जाते हैं नीचे नीचे, या फिर पासेज या टनल्स बनाए जाते हैं। आप देखोगे कई बार आप ट्रेन में अगर गए होंगे तो किसी जो माउंटेन वगैरह होते हैं उनके बीच में से ट्रेन जो है निकलती है, काफ़ी देर तक हम अंधेरे में रहते हैं,
है ना, कुछ दिखाई नहीं देता। टनल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि जो है रेलवे को क्रॉस किया जा सके, रेलवे को पास किया जा सके। द हिमालय माउंटेन्स रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन ड्यू टू द हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। हिमालय माउंटेन रीजन जो है वहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो रेलवे ट्रैक्स है वो बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो पॉपुलेशन है, ना ही वहाँ पर कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि जो रेलवे ट्रैक्स होंगी वहाँ पर क्या होगा, सारी जो हमारे जो ट्रेड है वो सारी चीज़ें इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना पॉपुलेशन के उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसीलिए हिमालय रीजन में हम देखेंगे कि रेलवे ट्रैक्स जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है ना। और इसी और दूसरी रीज़न, वहाँ पर हाई रिलीफ यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन नहीं होने के कारण माउंटेनियस रीजन में ट्रैक्स बनाना पॉसिबल नहीं है। इट रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर रिवर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो रिवर्स होती हैं उनके ऊपर ब्रिज बनाने पड़ते हैं। आप देखते होंगे जो ट्रेन्स हैं कई बार कोई रिवर्स के ऊपर से भी जाती हैं, ट्रैक्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। और ना ही हम डेजर्ट एरिया में रेलवे ट्रैक्स बना सकते हैं। क्या होगा, मिट्टी के अंदर वो ट्रैक्स जो है वो धीरे धीरे क्या करने लग जाएंगे, दबने लग जाएंगे। स्वैम्प ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यानी कि ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो बनाना पॉसिबल नहीं है। देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ सिंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल, शहाद्री ऑफ वेस्टर्न घाट हैव फेस्ड ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड्स। यानी कि कई बार तो क्या होता है कि जो रिवर एरियाज होते हैं या उनके आसपास जहां ट्रैक्स हम देखते हैं तो वो क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स या जो हमारे डिजास्टर्स होते हैं उनके कारण ये ट्रैक्स क्या करने लगते हैं, पानी में डूबने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ ट्रेन चलना पॉसिबल नहीं है। इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग द ट्रैक इज एक्सट्रीमली हाई। और उसके बाद में ट्रैक्स लगाना जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। टुडे रेल ट्रांसपोर्ट हैज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। कि हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें हम देखेंगे कि जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से क्या हो सकता है, हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल है, इकोनॉमिक वैल्यूबल होती है। एंड हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल। मेनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। जैसे कई पैसेंजर्स क्या करते हैं, बिना टिकट्स के उसमें ट्रैवल करते हैं। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप कम्प्लीटली। कि ट्रेन में चोरी होना या फिर कोई डाका डालना, ट्रेन को कोई नुकसान पहुंचाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरीली एंड दीज कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे। कि कई बार होता है ना कि कई लोग बेवजह ही ट्रेन की जो चेन है उसको खींच देते हैं, जिससे चलती ट्रेन जो है वो रुक जाती है, तो उससे ट्रेन को भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रेन्स जो है वो फेस करती है, ठीक है, रेलवे ट्रेन्स रेलवे लाइंस जो हैं उसको फेस करना होता है। थर्ड जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है वाटरवेज। रोड हमने देखा, रेलवे लाइंस हमने पढ़ लिया, और अब है हमारा वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड इज इंडिस्पेंसिबल टू फॉरेन ट्रेड। कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वाटरवेज जो है उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए। फॉरेन कंट्रीज से जो ट्रेड किए जाते हैं वो वाटरवेज से ही किए जाते हैं। इंडिया इज एंडोर्ड विथ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वाटरवेज इन द फॉर्म ऑफ रिवर, कैनल, बैक वाटर्स, क्रीक्स एंड ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सेसिबल थ्रू द सीज एंड ओशन। कि ये जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड जो किया जाता है, तो वाटर सोर्स से ही होगा, जो आपके रिवर हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, इन्हीं सब के थ्रू इनको सप्लाई किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज। वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग बल्क गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस।
कि वाटर ट्रांसपोर्ट में जैसे हम रेलवेज के अंदर बहुत सारे गुड्स पैसेंजर्स को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, उसी तरीके से ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है इसमें बहुत सारे गुड्स जो कि बल्क में जाते हैं, यानी कि कई बार आप देखते हो ना कि जो शिप होता है वो पूरा आपके जो गुड्स वगैरह होते हैं उनको ही सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, पैसेंजर्स भी बहुत सारे जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, तो इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया जाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। और सबसे चीपेस्ट जो है वो कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट। एंड इट टेक एडवांटेज ऑफ नेचुरल ट्रैक्स एंड डज नॉट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कैनल्स। कि इसके अंदर जो नेचुरल ट्रैक्स होते हैं इसमें कोई समुद्र के अंदर जो होते हैं वो ट्रैक्स नहीं बनाए जाते, वो अपने नेचुरली जो उसको रास्ता मिलता है उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें फ्लोट करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता किसके लिए, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए, कोई कैनल्स वगैरह सिर्फ बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज इसमें कोई ट्रैक्स का या उसको मेंटेनेंस शिप वगैरह को मेंटेन करने का ज़रूर उसमें खर्चा लगता है। इट्स फ्यूल एफिशिएंसी कंट्रीब्यूट टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू कार्बन एमिशन। कि इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है ये बहुत मतलब कि ईजिली कम यूज़ करके भी वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है, इस तरीके के फ्यूल जो है यूज़ किए जाते हैं। और जो एनवायरमेंटल को पॉल्यूट करने वाले जो चीज़ें इसमें से रिलीज होती है जो वो सारी चीज़ें जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो भी कम होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो बाकी हम रेलवेज और रोडवेज जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे कम पॉल्यूशन होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखेंगे देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज। वाटरवेज जो है वो कितने हैं, टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज क्या है, इनलैंड वाटरवेज कंप्राइजेज ऑफ रिवर लेक्स कैनल बैक वाटर एक्सेट्रा विच आर नेविगेबल। कि इनलैंड वाटरवेज वो हैं जिनमें रिवर का यूज किया जाता है, कैनल्स हैं, बैक वाटर्स हैं, लेक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो कि मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जो वाटर मूव करता है उसी में हम क्या कर सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज में सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स अपनी कंट्री के अंदर ही। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज अबाउट 14,500 किलोमीटर इन लेंथ, आउट ऑफ विच 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाई मैकेनाइज्ड बोट। द वाटर डिक्लेयर एज द नेशनल वाटरवे आर गिवन इन द टेबल बिलो। कि नेशनल, जैसे आप लोग पढ़ रहे थे ना नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, इस तरीके से जो वाटरवेज होते हैं उसमें भी नेशनल वाटरवेज इसमें दिया गया है। टोटल वाटर नेविगेशन जो होता है इनलैंड के अंदर वो होता है 14,500 किलोमीटर का, जिसमें से 5,685 जो मैकेनाइज्ड होती है यानी कि जिनको मशीनों के द्वारा, जिन शिप को चलाया जाता है उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो अलाहाबाद टू हल्दिया है गंगा रिवर सिस्टम पर, नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो सादिया टू दाबूरी धुबरी ब्रह्मपुत्र रिवर पर, और नेशनल वाटरवेज 3 जो है वो वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला कोट्टपुरम कोलम उदयगोमंडलन मंडल और चंपकरा कैनल्स, और नेशनल वाटरवेज 4 जो है वो है आपका पार्ट्स ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स पर विथ काकीनदा पोंडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनल्स, और नेशनल वाटरवेज 5 जो है वो आता है आपका पार्ट्स ऑफ ब्रह्मानी रिवर अलोंग विथ मताई रिवर डेल्टा कैनल ऑफ महानदी ब्रह्मानी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनल। और कितना डिस्टेंस वो कवर करते हैं वो भी इसमें साथ में दिया हुआ है। आपकी बुक में है क्या? देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस। दीज आर मंडावी जुआरी कैम्बरजुआ सुंदरबन बराक एंड बैक वाटर ऑफ केरला। यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन जहाँ जहाँ टेक प्लेस करता है, इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन जो है जहाँ होता है उनके नाम ये दिए गए, इनको आप अंडरलाइन कर लेना। फिर है सी रूट्स। सी रूट्स आर मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इंटरनेशनली। सी रूट्स जिसको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। इंडिया ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज
इज कंडक्टेड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट 95% ऑफ द कंट्री ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाई सी। यानी कि जो 95% जो ट्रेड किया जाता है कंट्री का विथ अदर कंट्रीज वो सी रूट्स के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं विथ लॉन्ग डिस्टेंस विथ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया हैज़ 12 मेजर एंड 200 इंटरमीडिएट एंड माइनर पोर्ट्स। यानी कि कितने पोर्ट्स हो गए यहाँ पर, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट्स बनाए गए हैं। सम प्रोमिनेंट सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर डिस्कस्ड बिलो। यानी कि कुछ पोर्ट्स यहाँ बताए जा रहे हैं। पोर्ट्स आप समझते हो ना क्या होता है, जहाँ पर जो गुड्स और सप्लाई किए जाते हैं, जहाँ से सामान को रखा जाता है, जहाँ उतारा जाता है, जो एरिया, जैसे एयरपोर्ट होता है तो एयरपोर्ट से आप कहीं पर भी जाना हो तो एयरप्लेन्स में बैठते हो, उसी तरीके से पोर्ट होते हैं जहाँ पे आपको शिप में अगर जाना है तो उसके लिए पहले आपको पोर्ट में जाना होगा, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बंदरगाह कहते हैं। फिर है कांदला सी पोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन द कच्छ। इट वॉज द फर्स्ट पोर्ट विच वॉज डेवलप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहला पोर्ट जो बनाया गया वो कांदला सी पोर्ट है। वेन द कराची पोर्ट वेंट टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। जो कराची पोर्ट है जिसको पाकिस्तान में सेंड कर दिया गया पार्टीशन के बाद में, उसके बाद में कांदला सी पोर्ट जो है उसी को ही बनाया गया। इट वॉज डेवलप टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज द दीन दयाल पोर्ट। यानी कि इसको डेवलप किया गया ताकि जो मुंबई पोर्ट है उसको कम किया जाए। यानी कि मुंबई पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर था, एक ही पोर्ट होने के कारण क्या होता है कि सारा जो प्रेशर होगा वो किसके ऊपर होगा, एक ही जगह होगा, और अगर आसपास दो तीन पोर्ट और होंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, जो काम है वो क्या हो जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी कारण इस मुंबई पोर्ट का जो वॉल्यूम है उसको कम करने के लिए इसे बनाया गया और इसका नाम रखा गया दीनदयाल पोर्ट। इसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कांदला सी पोर्ट को। इट इज़ ए टाइडल पोर्ट, इट हैंडल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। यानी कि ये वो पोर्ट है जहाँ पर एक्सपोर्ट भी होते हैं और इम्पोर्ट भी किया जाता है। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो मोस्टली यहाँ से सेंड किया जाता है। कौन कौन से स्टेट को कवर करता है ये, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर पर आता है आपका मुंबई सी पोर्ट। मुंबई पोर्ट इज़ वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर पोर्ट लोकेटेड इन मुंबई द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई जो कि आपके महाराष्ट्र का कैपिटल है और वहाँ पर ये पोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है मुंबई सी पोर्ट। इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया विद ए नेचुरल हार्बर। मुंबई पोर्ट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सी पोर्ट फैसिलिटीज टू हैंडल स्टोर एंड डिलीवर कार्गो। द पोर्ट इज़ वेल कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क ऑफ 126 किलोमीटर। द पोर्ट हैज़ इट्स ओन रेलवे सिस्टम कनेक्टेड टू द सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवे थ्रू द ब्रॉड गेज मेन लाइन। यानी कि ये ऐसा पोर्ट है जो कि रोड नेटवर्क से भी कनेक्टेड है, इसकी खुद की रेलवे लाइंस जो हैं वो भी इसमें बनाई गई है जो कि ब्रॉड गेज पर चलती है मेन लाइन में, है ना। और जो सी पोर्ट फैसिलिटीज़ है इसमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ताकि उसमें मतलब कि जो लोग होते हैं वो ईजिली अपना जो गुड्स हैं वो सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑल्सो नोन एज न्हावा सेवा पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, कि ये जो पोर्ट है ये क्या है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। लोकेटेड ईस्ट ऑफ मुंबई इन नवी मुंबई रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, दिस पोर्ट ऑन द अरेबियन सी इज एक्सेसिबल बाय थाने क्रिक। यानी कि ये जो पोर्ट है ये अरेबियन सी जो कि थाने से होते हुए आती है मुंबई के अंदर। थाने भी कहाँ है, मुंबई के अंदर, ये महाराष्ट्र में ही है। दिस पोर्ट वॉज डेवलप विथ एन एम टू ईज ऑफ कंजेशन एट मुंबई पोर्ट। यानी कि ये जो पोर्ट है इसको भी डेवलप किया गया ताकि मुंबई पोर्ट के अंदर जो बोलते हैं ना भीड़ है उसको कम करने के लिए, वहाँ पर जो गुड्स को सप्लाई करने की जो भीड़ है उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया है। फिर है मरमागांव सी पोर्ट, इट इज़ प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। दिस पोर्ट अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियंस आयरन और एक्सपोर्ट।
इस मरमागांव सी पोर्ट से आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। न्यू मंगलोर सी पोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। इट कैटर्स टू एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस, यानी कि कुद्रेमुख माइंस जो है वहाँ से कर्नाटका के अंदर इसमें आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर है कोची सी पोर्ट, एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड इन द एंट्रेंस ऑफ ए लगून विथ ए नेचुरल हार्बर, यानी कि ये भी क्या है हमारा साउथ वेस्टर्न पोर्ट है और मोस्टली इसमें गुड सप्लाई किए जाते हैं। टूटीकोरिन सी पोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट विथ ए नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। इट कैटर्स कार्गो ट्रांसपोर्ट टू श्रीलंका मालदीव्स, यानी कि यहाँ से ये श्रीलंका और मालदीव्स तक एक्सपोर्ट किया जाता है। चेन्नई सी पोर्ट है, ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, रैंकिंग नेक्स्ट टू मुंबई पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी कि इसको भी ट्रेड के लिए ही यूज़ किया जाता है। विशाखापट्टनम सी पोर्ट, इट इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर। विशाखापट्टनम से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। प्रदीप सी पोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा एंड स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। नेक्स्ट है आपका कोलकाता सी पोर्ट, ये टाइडल पोर्ट, इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। इट सर्व्स ए वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर ये लोकेटेड है और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हल्दिया सी पोर्ट जो कि कोलकाता में ही है और इट वॉज डेवलप टू रिलीव प्रेशर फ्रॉम कोलकाता पोर्ट, कोलकाता सी पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके वाटरवेज। नेक्स्ट आता है आपका एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, कि एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी क्या है, एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करने के लिए। एंड इट हैज रिड्यूस डिस्टेंस बाई मिनिमाइजिंग द ट्रेवल टाइम, कि ट्रेवल टाइम को कम करने के लिए इसको बनाया गया है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया वेयर डिस्टेंस आर लार्ज एंड द टेरेन आर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डाइवर्स, कि यहाँ पर इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एयर ट्रांसपोर्टेशन का बनना, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम कि क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं हर एक एरियाज में जो क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलता है, जिसके कारण लॉन्ग डिस्टेंस को ईजिली कवर किया जा सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1911 वेयर एयर मेल ऑपरेशन कमेंस्ड ओवर ए स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन अलाहाबाद एंड नैनी, यानी कि 1911 में इसको डिस्कवर्ड किया गया, सॉरी बनाया गया, और इसको बनाया गया था 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में सबसे पहले, और वो कहाँ से कहाँ तक था, अलाहाबाद और नैनी तक। बट इट्स रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन पुअर इंडिपेंडेंट पीयर पीरियड। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ, यानी कि ये जो एयरपोर्ट है उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो देखती है सारे एयरलाइंस वगैरह को। एफिशियंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विस इन द एयर स्पेस। द अथॉरिटी मैनेज 125 एयरपोर्ट्स, यानी कि एक अथॉरिटी जो है वो कितने एयरपोर्ट्स को देखेगी, 125 एयरपोर्ट्स को। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953। एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है इसको नेशनलाइज किया गया, यानी कि पूरा नेशन वाइड जब इसे चलाया गया, कब, 1953 में। 1911 में एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसको शुरू किया गया था और 1953 में इसको नेशन वाइड इसको स्प्रेड किया गया। द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज मैनेज्ड बाई टू कॉरपोरेशन के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस। आफ्टर नेशनलाइजेशन के बाद में टू कॉरपोरेशन हैं, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। पावंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन टू इनएक्सेसिबल एरिया एंड डिफिकल्ट टेरेंस लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जो माउंटेनियस एरियाज है या जो कुछ डिफिकल्ट टेरेंस हैं जहाँ पर जो एयरप्लेन्स हैं वो वहाँ के लिए जो हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जो एयर इंडिया है वो हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराती है किसको, ONGC को। और कौन कौन से एरियाज में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और जम्मू कश्मीर इंटीरियर पार्ट्स, जम्मू कश्मीर के इंटीरियर पार्ट्स में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में।
नाउ मेनी प्राइवेट कंपनीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड एयर पैसेंजर सर्विस, कई ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनके भी एयरपोर्ट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। अब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर में, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, फिर है मीनाम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में, फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में, त्रिवंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रिवंतपुरम में, और श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में। ठीक है, तो यहाँ तक अपने चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिए और नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाते चलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो नोट्स वगैरह बनाने में। फिर नेक्स्ट आपका पाइपलाइंस है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, नो मैम।